मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। ये एक स्पाई एक्शन कॉमेडी सीरीज है जो अमेज़न प्राइम पर हिंदी में रिलीज हुई, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 45 से 60 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चले बिना को टाइम वेस्ट करें बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे जॉन और जेन की कहानी, जिनको एक मिस्टीरियस स्पाई एजेंसी की तरफ से काम करने का मौका मिलता है, लेकिन इन दोनों को एक शादीशुदा कपल बनकर रहना होगा और मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की आइडेंटिटी को अपनाकर मिशंस को अंजाम देना होगा। तो क्या जॉन और जेन मिस्टर और मिसेस स्मिथ बनकर रह पाएंगे या नहीं, और इनको किस तरह के मिशंस को अंजाम देना होगा और कैसे कैसे खतरों का सामना करना पड़ेगा, यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, यह सीरीज 2005 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ पर बेस्ड है, लेकिन यह सीरीज देखने के लिए आपको 2005 में रिलीज हुई फिल्म देखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इस सीरीज को देख सकते हैं। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो सच कहूं तो मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर काफी मिक्स रहा है। इस सीरीज में दोनों ही मेन कैरेक्टर्स जॉन और जेन दोनों ही फन और लाइकेबल कैरेक्टर्स हैं, दोनों के बीच की केमिस्ट्री सीरीज में अच्छी है, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का जो खट्टा मीठा रिलेशनशिप डायनेमिक्स है उसको भी आप इस सीरीज में थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। और इस सीरीज का ज्यादातर फोकस रिलेशनशिप ड्रामा पर है और इसी रिलेशनशिप ड्रामा को इस सीरीज में 8 एपिसोड्स तक खींचा गया है। तो अगर आप लोगों को रिलेशनशिप रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ जाएगी और आपका एक अच्छा टाइम पास करवा देगी। लेकिन अब आप लोगों को दो चीजें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है ये शो देखने से पहले। एक तो ये कि ये एक स्लो पेस सीरीज है, कहानी एक स्लो पेस में इस सीरीज में आगे बढ़ रही होती है और ऊपर से एपिसोड्स की जो लेंथ है वो भी बड़ी है, इसीलिए ये शो आपके सबर का अच्छा खासा इम्तिहान लेगा अगर आपको स्लो पेस शोज देखना बोरिंग लगता है तो। दूसरी चीज, अगर आप इस शो को इस माइंड से देखेंगे कि ये एक स्पाई एक्शन ड्रामा है और आपको इस सीरीज में बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। एक्शन इस सीरीज में काफी कम है और वो जितना भी एक्शन है वो सब बहुत ऑर्डिनरी सा है। प्लस जो स्पाई मिशन आपको इस सीरीज में जॉन और जेन अंजाम देते हुए नजर आएंगे वो मिशंस भी कोई खास मजेदार नहीं है, उनमें कोई खास टेंशन इंटेंसिटी थ्रिल का एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अगर आप लोगों को सिर्फ फास्ट पेस एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर देखना है तो फिर ये शो आपको काफी डिसअपॉइंट करेगा और हो सकता है आप में से कुछ लोग इस सीरीज की शुरू की ही 2-3 एपिसोड्स देखने के बाद इस सीरीज को आगे देखना छोड़ दें, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लोगों को स्लो पेस शो से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अगर आप इस सीरीज को एक रिलेशनशिप रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के तौर पर देखेंगे जिसमें आपको कुछ लाइकेबल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिल जाए, तो फिर ये सीरीज आपका एक अच्छा टाइम पास करवा देगी। बाकी एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी काफी अच्छा है। इन शॉर्ट मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 out of 10। और हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है क्योंकि इस सीरीज में आपको एडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी और कुछ एडल्ट सीन्स भी देखने को मिलेंगे, और अभी सीजन 1 में कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, सीरीज का सीजन 2 भी आएगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।